नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना के पापड़। और ये साबूदाना के पापड़ हम किसी भी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और जब भी बच्चों का मन करे तभी भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं साबूदाना के पापड़। पापड़ बनाने के लिए हमने ये छोटे वाले साबूदाना ले लिए हैं और जहाँ तक हो सके हमें ये छोटे वाले साबूदाना ही लेने हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें धोना है। तो हम एक बड़े बाउल में साबूदाना ले लेंगे। तो पूरे 2 कप साबूदाना हमने ले लिए हैं और सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से हम मसल कर पहले धो लेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है सफ़ेद वो निकल जाए। तो अब इसका पानी हम निकाल लेंगे। साबूदाना को हमने धो लिया है अच्छे से, इसमें पानी निकाल दिया है और इसको हमें भिगो कर रखना है। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। इस साबूदाने को हम व्रत में भी काम में ले सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है सेंधा नमक। आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सादा नमक भी यूज़ में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस साबूदाने को हम 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं और साबूदानों को भिगे हुए, और ये देखिए साबूदाना भीग चुके हैं और ये पहले से काफ़ी फूल गए हैं। तो ये देखिए मैश करने पर ये मैश हो रहे हैं। तो अब जिसमें इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। साबूदाना में से हमने से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और अब इसमें थोड़ा सा हम नमक और डालेंगे। तो सेंधा नमक ही डाल रहे हैं, तो थोड़ा नमक हम इसमें और डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साबूदाना के पापड़ बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे दानों वाला पापड़ बना रहे हैं, बिल्कुल दाने खिले खिले दिखे हमारे साबूदाना के। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं साबूदाना के पापड़ स्टीम करके। तो ये नमक अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो पापड़ बनाने के लिए आप कोई से भी ढक्कन ले सकते हैं। हमने ये डिब्बों के ढक्कन निकाल लिए हैं, साइज के, एक साइज के निकाल लिए। आप चाहे प्लास्टिक के ले सकते हैं, स्टील के ले सकते हैं, या फिर कोई कटोरी भी ले सकते हैं स्टील की। और अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो इडली स्टैंड में भी हम पापड़ बनाकर देख सकते हैं कि कैसे बनते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से पापड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे पानी ताकि स्टीम होने के लिए हमारा पानी गर्म हो जाए तब तक, और उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे और इसे गर्म होने देते हैं। साथ ही इडली स्टैंड रखने के लिए हमने एक भुगोनी चढ़ा दिया है और उसमें भी हम पानी स्टीम होने के लिए डाल देंगे और इसे भी कवर कर देंगे पानी को गर्म होने के लिए। अब पापड़ बनाने की तैयारी कर लेते हैं और इस ढक्कन में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम सारों में ऑयल लगा लेंगे ताकि पापड़ अच्छे से निकल आए हमारे। इडली स्टैंड के भी हम ऑयल लगा लेंगे सब जगह। आपके पास और कुछ नहीं है तो आप स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें बना लीजिए, बहुत अच्छे पापड़ निकल कर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम इन डब्बों के ढक्कन में साबूदाने की लेयर लगा लेंगे। तो एक लेयर ही लगानी है हमें क्योंकि ये स्टीम हो जाएंगे तो उसके बाद ये आपस में चिपक जाते हैं। तो 2 चम्मच हमने भर के ले लिए, एक पापड़ के लिए हमने 2 चम्मच लिए। तो ये सारे डब्बों में इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो हमने एक लेयर साबुदाने की लगा दी है और इधर पानी भी गर्म हो गया है। तो अब इस कढ़ाई के नाप की हम छलनी ले सकते हैं या फिर कोई प्लेट ले सकते हैं। तो हमने छलनी रख दी है और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारे ये साबूदाने। तो ये हमने साबूदाने रख दिए हैं और बस हमें इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है, स्टीम करना है, हमारे पापड़ निकल कर आ जाएंगे। तो बस इसे हमने कवर कर दिया है और तब तक हम इडली स्टैंड में भी थोड़े से साबूदाने की लेयर लगा लेते हैं। तो हमने लेयर लगा दी है और अब इडली स्टैंड को हम बंद कर लेंगे।
इधर भी हमारा पानी गर्म हो गया है और अब इडली स्टैंड को इसमें डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे स्टीम होने के लिए। तो इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं और अब हमारे साबुदाना हम चेक करते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए साबुदाना बिल्कुल कांच के जैसे दिखने लग गए हैं, बिल्कुल पारदर्शी। तो ये हो गए हैं, तो बस अब इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो एक कपड़े पर निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें पानी लगा हुआ है, तो इसे ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। तो ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं और हमने पॉलीथीन के ऊपर इसे सुखाना है और इसे अब हम डीमोल्ड करेंगे। आसानी से बाहर आ गए हैं तो बस इसे निकाल लेंगे हम। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ये निकलेंगे, गरम गरम में नहीं निकलेंगे ये। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। तो एक बार फिर से इसके अंदर डाल देते हैं। इधर हमारे इडली स्टैंड वाले भी पापड़ तैयार हो चुके हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो पहले इसे हम रख देते हैं। तो ये दूसरी बार भी हमने रख लिया है और इसे कवर कर देते हैं। और इधर हमारे इडली स्टैंड वाले हम चेक कर लेते हैं पापड़, तो ये भी बनकर तैयार है। तो इसे भी अब निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल कांच के जैसे दिखने लग गए हैं और ये आपस में चिपक भी गए हैं। तो बस 3 से 4 मिनट में ये हो जाते हैं पापड़ और जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो ये इडली स्टैंड वाले को भी हम निकाल लेंगे। ये थोड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो इसे आसानी से इसकी किनारी हम तो इसकी किनारी थोड़ी सी देर छुड़ा लेंगे और फिर इस तरीके से हम इस पर डाल लेंगे पॉलीथीन के ऊपर सूखने के लिए। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पापड़ बनेंगे हमारे। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम। ये देखिए ठंडे होने के बाद ये आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, तो हमें गरम गरम में इसे नहीं निकालना है क्योंकि गरम में भाप रहती है तो चिपकते हैं ये। तो ठंडे होने के बाद ही इसे डीमोल्ड करना है, तब तक हम दूसरे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टीम हो जाएंगे हमारे कढ़ाई वाले पापड़ अब चेक कर लेते हैं और ये स्टीम हो गए हैं इधर। तो इसे ठंडा होने के बाद निकालें और ये निकल जाएंगे आसानी से। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। तो देखिए ये सारे साबूदाना के पापड़ हमने बना लिए हैं और ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो सारे साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार है। तो अब इन साबूदाना के पापड़ को हम धूप में सुखा लेंगे और धूप में सुखाने के बाद हम इन्हें तलकर बताएंगे कि हमारे साबूदाना के पापड़ कैसे बने हैं। तो लीजिए, 3 दिन में हमारे साबूदाना के पापड़ सूख कर तैयार है और इसे हम तल के भी दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये साबूदाना के पापड़ पहले से काफ़ी डबल हो गए हैं। छोटे छोटे पापड़ थे सूखने पर और ये डबल हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे साबूदाना के पापड़ इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो अब इन साबूदाना के पापड़ को हम तोड़ करके भी दिखाएंगे कि ये कैसे बने हैं। तो देखिए, साबूदाना के पापड़ हमने थोड़े से तल लिए हैं, हमने ज़्यादा नहीं तले। तो आप जब भी ज़रूरत हो तब तल सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो देखिए बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। तो आप इस तरीके से साबूदाने के पापड़ ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।